मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के दौरान किसानों का मुद्दा छाया रहा। किसान ऋण माफी को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष के बीच विरोधाभास होने की बात कही। इसी बीच सीएम शिवराज के ऋण माफी होने को स्वीकार करने पर विपक्ष के नेताओं ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी सरकार की उपलब्धता करार दिया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। देखिए हमने पैसा कानून पे मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और एक लंबी लड़ाई का परिणाम है कि आज जय युवाओं की इस क्रांति का परिणाम है कि सरकार को पैसा नियम 2022 मध्य प्रदेश को बनाना पड़े और जो उस जो खामियां रह गई थी उन नियमों को हमने आज सदन में मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि ग्राम सभाओं को संसाधनों पे गांव की सीमा के भीतर आने वाले खरीद संसाधनों पे कहाँ का अधिकार दे रहे हैं। हमने ही मांग करी, हमने तो लड़ाई लड़ी, हमारी तो लड़ाई पैसा और पांचवी अनुसूची की है, छठी अनुसूची की है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेप हम लोग ये भी कहा कि आप लोगों के सीएम साहब ने जवाब दिए, कुछ दे पाए कुछ जवाब नहीं दे पाए और यही अविश्वास प्रस्ताव की सफलता है। तो सरकार ने जवाब दिया है सही था या आप मानते हैं कि सरकार ने इसमें भी कुछ देखिए सरकार ये चीज आज तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि किसानों की कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई है। आज मुख्यमंत्री जी ने हालांकि बहुत कम आंकड़ा बताया परंतु इस बात को माना सदन के अंदर के 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो उनका आंकड़ा है, वैसे हमारा आंकड़ा तो 11,000 करोड़ रुपए का है कि कर्ज माफी प्रदेश में हुई। तो ये एक तरीके से एक राजनीतिक जीत कांग्रेस पार्टी की है कि सदन के अंदर जहां प्रश्नों के उत्तर देने से मंत्री बच रहे थे और जहां पे मुख्यमंत्री और इनके नेता मंचों से कांग्रेस की कर्ज माफी को नकार रहे थे, आज सदन के अंदर चाहे 2.5 साल बाद पर प्रदेश की जनता के सामने सच आया है और उनको सच मानना पड़ा है। ये कांग्रेस की एक राजनीतिक जीत मैं मानता हूँ। अविश्वास साथियों लगातार भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों की तरफ से, चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे कृषि मंत्री कमल पटेल जी हो या स्वयं हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हो, लगातार कांग्रेस पार्टी की के द्वारा जो की हुई ऋण माफ़ी की योजना थी, ऋण माफ़ी को लेकर के अनगरण बयानबाजी करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा था और लगातार उसको असत्य ठहराने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के इन शीर्ष नेताओं के द्वारा किया जा रहा था। हमारे कुछ विधानसभा के साथियों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा विधानसभा में प्रश्न लगाया कि ऋण माफ़ी की क्या स्थिति है और जिसमें लिखित में शासन की तरफ से जवाब आता है कि ऋण माफ़ी हुई है। सरकार ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों के 11,600 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने का काम हुआ। आप कल सदन की कार्रवाई उठा करके देख लीजिए, जब नरोत्तम जी अपना उद्बोधन देते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वो कहते हैं कि ऋण माफी नहीं हुई। उसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल जी अपने वक्तव्य देते हैं, उसमें स्वीकार करते हैं कि हाँ ऋण माफी हुई है। और आज मैं मध्य प्रदेश के तमाम किसानों और अन्नदाताओं के माध्यम से प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिरकार उन्होंने जो ऋण माफी हुई है उस ऋण माफी को स्वीकार करने का काम उन्होंने किया। और जिस प्रकार से मैंने जब मेरा वक्तव्य था, जब मैं सदन में बोलने का मौका मुझे मिला, मैंने शिवराज सिंह जी से और उनकी पूरी पार्टी से पूछा कि निरंजन सिंह कौन है, राकेश सिंह कौन है, कमल पटेल की जो धर्मपत्नी है रेखा कमल पटेल, जिनका लगभग 45,000 रुपये से अधिक का ऋण माफ़ करने का काम हमने किया था। तो ये तमाम जो बिंदु थे, ये बिंदु हमने उठाने का काम किया और उसी का परिणाम हुआ कि आज सदन में सदन के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि ये ऋण माफ़ी हुई है और उन्होंने ये चीज़ को कबूल करा, ये चीज़ को स्वीकार करा।